पापा जो है चटनी कूट रही है, तालियां बजा रहा है कि इसका साउंड बना हुआ है। ये है यहाँ का उताक जहाँ की शहजादी है नैना। Oh my God, बस ये मैंने तो यहाँ से मैं जाऊंगी अरीना के पास, अरीना को पिक करें। बनाती है बहुत, मुझे इतनी पसंद आ रही है, आप लोग को बता सकते। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बिल्कुल ठीक। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के साथ करते हैं हमारे ब्लॉग को स्टार्ट। और अभी हम लोग उठ चुके हैं, शाहरुख उठ जल्दी से, ये परख उठ जल्दी से, उठो मन्नू राजा जो है ना यहाँ पर बैठ के देखा, छोड़ दो उसको छोड़ दो। तो रूम की सफाई जो है हमने कर ली है, अभी जो है शाहरुख जा रहा है बाहर कुछ सामान लेने के लिए नाश्ते के लिए। तो ये है मेरे सुबह का नाश्ता, जो रात का सारा था वही मैं सुबह में खा रही हूँ। उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला क्योंकि वो जो फुल ग्रेवी वाला होता है मुझे अच्छा लगता है। मैंने चिकन की एक बोटी लिया, पता नहीं मैं खा सकूँगी नहीं क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, बट लेट्स सी खा सकती हूँ। सोच था कि हम साथ नाश्ता करेंगे लेकिन शाहरुख जो है नहाने चले गए, मामू ने सुबह में ही नाश्ता कर लिया था, अब अकेला मैं बैठा हुआ हूँ तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कर लेती हूँ क्योंकि मुझे जो है खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है टाइम पर। तो आज इनके ट्यूशन की छुट्टी है और ये लोग आ गए हैं यहाँ पे। क्या हुआ औजी को, क्या हुआ फालतू में, क्या तकलीफ है मुझे ये बताओ। जब आप मस्ती कर दो, चुप करके दे दो, जब वो आपकी चीज है ही नहीं आप नहीं उठा सकती उस चीज को। तो अभी इमाम नदीम जो है ये सामान लेकर आए, आलू वगैरह अंडे वगैरह बनाने हैं। और मनु ने मुझे इतना काटा, ये देखें ये देखें ये सुराख देखें, यहाँ पे देखें ये मनु ने मुझे काटा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया इतना ज़्यादा दस ने मुझे काटा, ये देखें। खैर ये रोज़ रोज़ के ये पुराने, ये एक ये परसों के हैं, ये कल के, ये कल, ये उससे भी एक हफ्ता पुराने हैं, ये नए रोज़ रोज़ नए नए जो है ये मुझे मारता है। और आज ये बिल्कुल फ्रेश है, तो ये एक मेरा हाथ ऐसा है और एक हाथ बिल्कुल सही है क्योंकि ये एक हाथ के साथ खेलता है। अब देखें शरीफ शरीफ जैसे नहीं थे, मासूम लोग होते वैसे बन के सोया हुआ है। और अभी हम लोग जा रहे हैं काम पर, मतलब कि मैं जा रही हूँ, शाहरुख मेरी हेल्प करेगा दरवाज़ा खोलने में और उन सब चीज़ों में, फिर मैं उनसे अपना काम कर लूँगी। आई होप कि मैं लेट ना हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं मेन गेट पर, अंदर हम लोग आ गए, अब होगी यहाँ की लाइट ऑन, 1 2 3। यहाँ पर जाने के बाद जो है लाइट नहीं थी, हमने पहले लाइट सही करी। ये जो है मैंने उनकी लैशेस की थी, उनको मेगा वॉल्यूम चाहिए तो उसके मुताबिक मैंने उनकी लैश की थी और मुझे पर्सनली ये लैश बहुत पसंद है, सच में बहुत प्यारी हुई थी। तो खैर ये बनाती हूँ फिर उसके लिए लेके जाती हूँ। तो मैंने ये थोड़े से बनाया, गैस नहीं आ रहा था, अब आएगा मीर तो खाएगा। मीर ये लो, मीर पॉप्स आ जाओ। तो सुबह सुबह जो है मैंने अपने लिए मंगवाया है जूस, इसमें जो है चुकंदर गाजर और जो है ऑरेंज का जूस मिक्स है। मुझे सुमारा है मेरी भाभी, छोटी वाली भाभी, उसने बोला कि ये वाला पियो तो ये मंगवाया। इस टाइम जो है सब घर पर है, पहले बाबर वाले आए थे वो चले गए, अब जो है दिलबर है, कक्की है और सॉरी दद्दा है, कक्कू रानी बैठी हुई है यहाँ पे। तो अभी सब ने जो है मिल के सब ने पैसे जमा किए हैं और अभी हम लोगों ने मंगवाई है मिर्चे, सब हम खाएंगे। मिर्च के लिए प्लेटें उठाने आई है, बाहर बिरयानी आ गई है। इनको कहा चटनी नहीं आएगी, तब तक मैंने कहा बना भी लेती। ये दो आप आपको दे कर आओ। इडली चाहिए जिसमें दही डालेंगे, अभी यहाँ से उठा रही है चमचा और प्लेट। हाँ ये सही है, चम्मच भी चाहिए। तो अभी यहाँ पर जो है वो था आपा जो है चटनी कूट रही है, तालियां बजा रहा है कि इसका साउंड बना हुआ है और दिल भर दही को मिक्स कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर सब बैठ गए और अभी खाना सब खाने लगे हैं। और कितने दिनों से जो है मैंने अपने बालों को और ख़ुद को बहुत छोड़ा हुआ, लाइक मैं अपना बिल्कुल केयर नहीं करती, सोचा मैं आज के दिन जो है मैं खुद को टाइम, मेरे बहुत डैंड्रफ हो गया था, अच्छे से ऑयलिंग करवा लूँगी और कुछ अपना जो है केयर करते हैं। बस मेरे पाँव बहुत गंदे हो रहे थे तो फिर जो है मैं यहाँ पर आई, मैंने अपना पेडिक्योर का भी सोचा, अपना पेडिक्योर करवाया और उनकी ब्लीच इतनी अच्छी थी, इतना फ़र्क पड़ा था आप लोग देख लो, ऐसा लगा था मेरी दूसरी स्किन किसी ने लगा। फिर जो है यहाँ पर जो है इन लोग नेल को शेप दे को कहा कि प्लीज़ मैं नेल कट कर दूँ क्योंकि मुझे पाँव के नेल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, सही बहुत अजीब लगते हैं पाँव के नेल्स अगर बने हों तो, जो होता है ना वाइट नहीं रहते, अजीब कलर हो जाता है, तो इसलिए मैं रखवाती हूँ। जो है गर्म गर्म पानी है मैंने अपने पाँव डिप करे, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद तो ये कुछ था फाइनल। इसके अलावा जो है मैंने बैक मसाज लिया था और जो है मैंने करवाया था अपने बालों में प्रोटीन ट्रीटमेंट। मेरे बाल जैसे झाड़ू होता है ना गाइस, झाड़ू बन चुके थे बिल्कुल। जो है मैंने सलून वाले से कहा अगर कि मुझे ज़रूरत है बालों इसको ट्रिम करवाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, इसको मैं करवा देती हूँ।
मैंने सोचा कि एक इंच कर लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि दो इंच करवा लो क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा जैसे डैमेज हो रहे हैं। फिर हमें जो है दो इंच अपने बाल कटवा दिए थे। क्या करूँ गाइस, बहुत गंदे हो रहे थे बाल का मुझे। मतलब अभी है अचानक से शौक हो रहा था कि मतलब पहले मुझे बड़े बाल नहीं पसंद, अब जो है ना आजकल दिल कर रहा है बड़े बालों कटवाना, लेकिन मैं ऐसे फिर झाड़ू बड़े बाल भी नहीं कर सकती। मुझे अपने बाल हेल्दी और अच्छे वाले बड़े बाल चाहिए, ऐसे कचरा गंदे बड़े बाल नहीं चाहिए। और आप लोग बताना कि मैंने सही किया या गलत किया अपने बाल कटवा, क्योंकि मुझे ऐसे रिलैक्स मिलता है ना जब भी अपने बाल कटवाती हूँ ना, तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। पता नहीं क्यों, जो थोड़ा सा गंजापन है ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो बालों की कटिंग करवा के और पेडीक्योर करवा के सब चीज़ें करवा के मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है। बालों की मैंने कटिंग करा, बाल अब मेरे इतने हो गए, ये है कि अब जो है थोड़े हेल्दी लग रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे हो गए हैं। अब प्रोटीन ट्रीटमेंट भी लिया है और ऑयलिंग भी करवाई थी, तो काफ़ी जैसे कहते हैं ना हेल्दी हो गए हैं, वैसे हेल्दी लग रहे हैं। ये देखें अब जो है मेरे बाल ऐसे दिख रहे हैं, तो बहुत मज़े के हो गए हैं बाल। और आज हमने जाना है पोर्ट ग्रांड, वहाँ पर जो है सिंध का कोई फेस्टिवल हो रहा है, तो वहाँ पर चलेंगे और देखते हैं क्या होता है। एक ड्रेस है ये वाला पहन के दिखाऊंगी, दूसरा पहन के दिखाऊंगी, आप लोग बताना कौन सा अच्छा है, लेकिन पहन के मैं डिसाइड करके पहनूंगी। तो ये मैंने ड्रेस पहन लिया, मामू कह रहे हैं कि यही पहनो, दूसरा मैंने दिखाया था बट मामू कह रहे हैं कि मामू को अच्छा लग रहा, तो इसलिए मैंने भी ये वाला पहना है। अब जल्दी से बस बाल बनाते हैं और फिर चलते हैं। तो ये जो मैं चुटिया लाई थी, मैं सोचा मैं आज इसको लगा लेती हूँ, और ये देखे कितनी ज्यादा हसीन लग रही है, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। मुझे इतने बड़े बालों का बहुत शौक है, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे इतने बड़े बाल होते नहीं है। तो खैर मैं तो जैसे चुटिया बना लेती हूँ, बहुत मुझे इतनी पसंद आ रही है, आप लोग को बता सकती। खैर अब जो है जल्द से मेकअप करती हूँ, फिर चलते हैं। मेरा कुछ फाइनल लुक आप लोग बताना आप लोग कैसा लगा। मैंने आज कितने दिनों के बाद डार्क लिपस्टिक लगाई, मेरा दिल कर रहा था डार्क लिपस्टिक लगाने का, बाकी मेकअप सब कुछ लाइट रखा है, ब्लश और लिपस्टिक थोड़ा डार्क किया क्योंकि मैं दिल कर रहा था और दिल की सुननी चाहिए। और आप लोग बताना कैसा लगा सिंधी लुक, आप सब लोग कैसे जाना, तुमने सिंधी लुक क्यों नहीं किया, तो आज मैंने कर लिया। चलते हैं जल्दी से। तो यहाँ से मैं जाऊंगी अलीना के पास, अलीना को पिक करेंगे, फिर चलेंगे, अलीना और मैं दोनों साथ जाएंगे। और मेरे पाँव इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे कर दिए उन्होंने पाँव मेरे। और यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी नेल पेंट लगाई, और अलीना भी रेडी हो चुकी है। हम लोग सब जो है सिंधी बन के यहाँ से निकलने कर रहे हैं। तो अभी हम लोग फाइनली पोर्ट ग्रैंड आ गए हैं, और यहाँ पर काफी प्रोग्राम तो बढ़ गया। सो गाइस, जिस तरीके से आवाम सारी वापस जा रही है, मुझे लग रहा है हम लोग बहुत ही ज्यादा लेट आए हैं, फिर भी देख लेते हैं। तो एक टिकट हमने खरीदी है, और जो है दो हमें मिले थे पासेस जो कि बिल्कुल फ्री थे। इसकी जो है इसकी किस्मत गाइस इतनी अच्छी नहीं, इसको पैसे भरने ही पड़ते। चलो अब सो फाइनली हम लोग अंदर आ चुके हैं, हम चल के देखते हैं अंदर क्या क्या हो रहा है। सो गाइस मैंने ये क्या देखा, मैंने देखा यहाँ पे नैना को। नैना ये क्या है, व्हाट इज दिस बिहेवियर, तुम तो पहले से यहाँ बैठी हुई हो, ये देखो। आओ उसको हाई करते हैं, चुप कर, इसको हाई करते भाई, ये मारता है। उसको तंग भी तो कर रहे ना, नहीं बहुत बड़ा है भाई। बिल्कुल अलीना के जितना है। नहीं नैना गलत बोला मेरी जान, तुम्हारे जितना है ये, सॉरी ये मेरे जितना नहीं है, ये नैना की जितना है, नैना की जितना। तो यहाँ पर जो है कुछ चीजें सेल होती है, मैंने कहा मैं आप लोग को एक एक करके दिखा दूंगी। ये सिंध का है कि यहीं का है, ये शिकारपुर का है, शिकारपुर का अचार जो घर में बनाते ना शिकारपुर का, ये वो है। कहाँ पे जो है ना वहाँ पे शंग्रीला बेच रहे, शंग्रीला हमने बहुत देखा हुआ है। खैर हमने जो है अचार जो है ये देखने को मिला है। कितने का भाई एक डब्बा? तो भाई अचार हो और मैं ना लूं ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने ले लिया। तो हम लोगों ने ले लिया है अचार, ये आई थी पोर्ट ग्रैंड में अचार बकवास मकवा। और यहाँ पर कुछ इन्होंने जो है चीजें बनाई हुई, मैंने कहा चलते हैं वो ताक वगैरह, और यहाँ पे वीडियो कुछ क्लिक कर रहे जी जान। तो ये है यहाँ का उताक, जहाँ की शहजादी है नैना। Oh my God, बस ये मैंने ऐसी बोला था, ऐसी मजाक किया था मैंने। ये यहाँ पर हम लोग आए, ये आई थिंक आप लोग जो बिछाने के लिए चार पाई है ना, ये अजरक कपड़े भी है मेरी जान, अजरक नहीं चार पाई बिछाते हैं कपड़े भी। और ये सूट है, ये सूट दिखाओ सारो क्लोज करके, ये इनके सूट है। ऐसे ड्रेसेस पहन के कब पहनेगा शाहरुख, तो तुम्हें बनाएगा ही नहीं, मैं बना रही हूं। तुम्हारा हाथ बहुत मोटा हो गया है ना, कितने का है कितनी प्यारी बनाई। ये क्या है, ये किचन है, किचन होती है ना। और ये देखो ये कितना खूबसूरत है वाली, लेकिन मुझे दर्द होगा नहीं करना, मेरे कान में बाली नहीं आएगी। नहीं नहीं अली आएगी क्यों नहीं आएगी, मुझे दर्द होता है वैसे। ये गाइस ये वैसे बालियां नहीं पहन, ये
बिल्ला भाई तो टूटे ये सख्त हो गई है ना मेरे सामने बहुत ज्यादा छोटी है ना कितनी क्यूट लग रही है मैंने इसमें मोमबत्ती जला रही अभी हम लोगों ने नीचे का सब देख लिया अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं बर्तन वगैरह है अभी नाना ने ये देख लिया अभी हम लोग आगे जा रहे हैं और अभी हम लोग ने यहाँ से ऊपर से ब्योलिया में कुछ समझ नहीं आया अभी हम कहीं और जा रहे हैं अभी हम लोग जा रहे हैं $1 शॉप पर क्योंकि हम लोग डॉलर में अर्न करते हैं ना गाइस तो सोचा डॉलर में ही कुछ दे लेते हैं और यहाँ पर जो है ये कुछ नेल पेंट्स वगैरह थी ये सिर्फ 250 रुपये में थी और छोटा सा सनसिल्क के शैम्पू बॉटल्स वगैरह ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में कार्ड हम लोग बचपन में बहुत लिया करते थे ब्रेसलेट वगैरह थे ये बहुत अच्छे और इन्होंने 4 डब्बे ले लिए ये 250 रुपये में वेरी यूजफुल वेरी सस्ता फुल इसमें पैक हो जाएगा ना अब मेरी भाभी देख रहे बोलेंगे तुम क्यों नहीं लेकर आए क्योंकि वो लोग कहते हैं यहाँ पर सॉन्ग चार जैसे हम लोगों ने सॉन्ग खत्म बंद खत्म और अभी हम लोग आए हैं मेरी भाभी की तरफ यहाँ पर हम लोग आए हैं केक कट करने के लिए दुआ रानी का दुआ रानी की बर्थडे है आज तो बस केक कट करने के लिए बहुत थक गई थी लेकिन बस कहने के लिए आई हूँ अदरवाइज मेरे बहुत पेन हो रहा है 1 2 3 गो कैंडल लाइट इसी के साथ करती हूँ मैं आज के व्लॉग को यहीं पर एंड बहुत थक गई हूँ मैं भी लूँ कल आप लोगों को नए और मजेदार से व्लॉग के साथ कुछ भी बुरा लगा हो तो इट्स ओके क्योंकि मैं पैसा तो हूँ नहीं कि सबको अच्छा लगूँ अल्लाह हाफिज़।